मुझे दुनिया वालों दिल्ली वालों, शराबी न समझो मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। पानी नहीं है ये, देखो इतना तो बनता है। अब एक बंदा एमसीडी के अंदर जीत चुका है, यानी एमसीडी में केजरीवाल 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 केजरीवाल, एमसीडी में केजरीवाल 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 केजरीवाल। मैं इतना खुश हूं ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूं। हर तरफ से इतना ज्यादा मेरे को होता ना प्रेशर के ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे को खुद को लग रहा था 170 सीटें तो मेरी आ ही जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया। पर मतलब लोग कह रहे थे बीजेपी है बीजेपी, वो अब की बार बीजेपी आएगी। मैंने कट्टर चोर और सच निकल जाता ना मुंह से, एक तो कट्टर ईमानदार चोर ने सब जगह, कट्टा रिश्वतखोर ने यहाँ पे पैसे फेंके, काम हो गया। किस किस को नहीं खिलाए, अरे ऐसे वैसों को दिया था, यहाँ के डिपार्टमेंट में दिया था, एमसीडी में भी दिया था, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। अब हो गया लिफ्ट, बन गया बॉस। मेरी तो फितरत सी हो गई है जी, जहाँ खड़ा होता ना दिल्ली में पंजाब में एमसीडी में, जीत ही जीत होती है मेरी। तो इसीलिए कोई दिल्ली की जनता बेवकूफ़ तो है नहीं, उनसे बड़े पंजाब वाले भी, वो भी बेवकूफ़ नहीं है, एमसीडी वाले तो बिल्कुल ही नहीं है। क्योंकि देखो मैंने उनको बोला था जितने के कचरे के ढेर है ना, मैं उनको सबको हटा दूंगा, वहाँ से हटा दूंगा, कहीं और रख दूंगा जहाँ पे बीजे वाली पार्टी के बंदे हैं। यह गलत है, मुझे क्या फ़ायदा होना है, मुझे तो यही दिखाना है कि दिल्ली को मैं साफ़ कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ जाते मैं साफ़ करता हूँ वहाँ पे वो ढेर लगा देते हैं। मेरे को तो ये दिखाना है। पर दिल्ली वालों, आप लोगों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है एमसीडी में मुझे अपना बॉस बना के, कि आप लोगों को मेरे जैसे ही पसंद है। पर क्या कर सकते हैं जी, दिल्ली को सुधार भी हम जा सकते हैं, शरीफ लोगों की तो कुछ है ही नहीं। तो मैं आपसे बोलूंगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने करप्ट, ओ ईमानदार करप्ट, कट्टर करप्ट, कट्टर ईमानदार, ओ ईमानदार कर, मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, कोई बात नहीं, कट्टर आदमी को आपने यहाँ पे लेकर के आए। मैं, मेरे साथ में जो दो जेंटलमैन हमेशा रहते हैं, एक तो मतलब आपको दिख ही रहे होंगे अपना भगत सिंह जी, जिनकी मैं औलाद हमेशा ये बोलता हूँ कि भगत सिंह जी मेरी औलाद, भगत सिंह जी की मैं औलाद हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, कट्टर मतलब देशभक्त हूँ। और दूसरी तरफ अम्बेडकर साहब, जिन्होंने पूरा संविधान की नींव रची थी, उसके अंदर भी मैंने संशोधन करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें कह दी हैं, और मैं करता ही रहता हूँ दिल्ली में, तो कोई देखता ही नहीं, मेरा हाथ ही नहीं पकड़ता, क्योंकि मैं दिल्ली का सीएम हूँ। आप लोगों को बस ऐसे ही प्यार मिलता रहा ना, मैं बता रहा हूँ मैं लंदन भी जीत जाऊँगा, आप ऐसे मत समझो दिल्ली वालों। अब मैं आया हूँ तो कुछ तो करके जाऊँगा। पहले मैंने एक स्कीम निकाली थी, इसके साथ ये फ्री, अब इसके साथ सूदी फ्री, चकना फ्री, और पता नहीं क्या क्या फ्री कर दूंगा मैं। आपने मुझे चुना है ना, अब देखो मैं आपकी कैसे कैसे बचाता हूँ, मतलब आपको कहाँ कहाँ बचाता हूँ, देखना बस आप। और तो और मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह, और क्या होता है कि और क्या होता है सिसोदी, तू तो पढ़ा पढ़े लिखे बच्चों के साथ रहते ना सर, है अच्छा, ये ना हो ना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्या हूँ मैं, कुछ भी नहीं हूँ, बस भगवान ने एक शातिर खोपड़ी दी है, उसी को चलाता रहता हूँ, बाकी आप लोगों के पैसे, आप लोगों का प्यार अलग अलग जगह लगाता रहता हूँ। दिल्ली का पैसा पंजाब में लगाया, वहाँ बन गया, पंजाब का पैसा यहाँ लगा दिया, एमसीडी में यहाँ जीत गया, क्या बात है, गुजरात और आ जाए मेरे पास, बस बाकी और कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। नमस्कार जी,
अभी तक जितने लोगों ने मेरी नमस्कार किया ना, अब मैं उनकी नमस्कार जी करूंगा, आप देखना। अब मैं चल रहा हूँ, मुझे बस छोड़ दो आप। आज तो बस कितनी बोतलें अंदर जाएंगी मुझे खुद नहीं पता। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस है जी। केजरीवाल हर जगह पे, केजरीवाल एमसीडी में, केजरीवाल जाइए आप भी।